सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज मतलब 26 तारीख को, 26 दिसंबर को आपके परियोजना क्षेत्रपाल का एग्जाम हुआ है। अब इसका आंसर की तो अभी आया नहीं है और व्यापम जब तक आंसर की जारी करेगा काफ़ी देर हो जाता है। तो चलिए, हमने कुछ आंसर की बनाए हैं तो उसको हम आपको बता देते हैं कि आंसर क्या होगा आपके इस एग्जाम का। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य नाटक है? तो मौपाटा, आंसर नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपके मुड़िया जनजाति में किया जाता है शिकार नृत्य, जो कि मौपाटा के नाम से होता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है? तो कल्याण साय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, मुरिया विवाह में महला का अर्थ होता है? तो देखिए, सगाई होता है महला का अर्थ मुरिया विवाह में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होगा, मतलब ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निर्वाचन के दृष्टि से इनमें से क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पर देखिए, आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, पंच सरपंच और नगर परिषद का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पंचायती राज्य संस्था में कौन दो पद धारण करता है? तो उप सरपंच, जनपद पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। तो ये क्या है, तीनों आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य है जिससे इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका आंसर, 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिन ने घोषणा की कि रघुजी तृतीय की अवयस्कता समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में होगा। तो ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, लोरमी पठार। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है? तो देखिए, साल वन की बात किया है तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40.6%। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राज्य के किस जिला में फूड पार्क की स्थापना की गई है? तो देखिए, फूड पार्क की बात करें तो धमतरी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी धमतरी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, राज्य औद्योगिक पुरस्कार योजना कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 5 श्रेणियों में दिया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के सभी किसानों को फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा कब से दी जा रही है? तो देखिए, जनवरी 2019 से दी जा रही है फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा राज्य के किसानों को। इस राज्य में प्रथम पक्षी महोत्सव या उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? तो बेमेतरा में आयोजित किया गया था प्रथम पक्षी उत्सव। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इस राज्य की अमिता श्रीवास का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए, वो क्या है, पर्वतारोहण है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, इस राज्य के किस फिल्म को 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी बुलंदा मेज को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है? तो भतरा जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इस राज्य के बैगा जनजाति में बिल्वा नाच कब किया जाता है? तो दशहरा के पर्व पर किया जाता है बिल्वा नाच बैगा जनजातियों के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, राज्य में कितने जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में शामिल किया गया है? तो 10 जिलों को शामिल किया गया है आकांक्षी जिलों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित को कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा उसको देखिए। सबसे पहले आ जाएगा हर्षवर्धन जो है वो आपके पांडु वंश का था, तो ये क्या हो जाएगा, एक से डी पे आ जाएगा। प्रवर राज प्रथम की बात करें तो ये सरबपुरी वंश का था, तो ये सी पे आ जाएगा। विलासतुंग नल वंश का था और भीमसेन जो है वो राजर्षि तुल्य कुल वंश का था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, इस राज्य में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है? तो कलिंग राज है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार लगाइए। तो यहाँ पर पहला वाला आंसर हो जाएगा रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण, इस राज्य पर मराठा आक्रमण, इस राज्य में सूबेदार व्यवस्था का प्रारंभ और सती प्रथा का उन्मूलन। अब देखिए, इस राज्य में रमिता सोरी व नेहा मरकाम ने किस खेल के लिए कांस्य पदक जीता? तो देखिए तीरंदाजी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद गौण खनिज है? तो देखिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, डोलोमाइट, और मोल्डिंग सैंड भी यहाँ पर डाउट पर है, तो ऑप्शन सी हम यहाँ पर आंसर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2014-15 से 2020-21 की अवधि में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर किस वर्ष में घटा? तो 2020-21 में घटा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस जिले में जनजाति जनसंख्या प्रतिशत अधिक है? तो बीजापुर में सबसे ज्यादा, सुकमा फिर बीजापुर। टाइगर किट के रूप में विख्यात है? तो देखिए चेंद्रू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 27, इस राज्य का पिटकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें 12 सिंगा का सींग लगा होता है उसका नाम है? तो गुदुम कहा जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2020-21 में राज्य में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर अग्रिम अनुमान के अनुसार किस क्षेत्र में ऋणात्मक रही? तो देखिए उद्योग में, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए खनन एवं उत्खनन, ये आपके प्राथमिक क्षेत्र का है। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य में कौन सा सिंचाई स्रोत सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन इसके नहीं होने की वजह से हम लोग यहाँ से आपको उस क्वेश्चन को बता रहे हैं, जैसे कि पार्ट 2000 के बाद लैंग्वेज जो कि आपका हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा इसका था, इसमें क्वेश्चन आया था 31वें नंबर पर तेजो राशि शब्द है, तो ये क्या है, विसर्ग संधि है, याद रखिएगा विसर्ग संधि है ये। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, फिर था चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है, तो सम्माननीय का अनादर करना ये होगा चांद पर थूकना का अर्थ। अगला प्रश्न देखिए, इस वाक्य में हम यह लड़की किसको दे क्रिया किस काल में है? तो संभाव्य भविष्य काल में है ये क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द है, तो सर्वव्यापी शब्द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, देखिए नीचे दिए गए शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाने में किस शब्द के रूप में परिवर्तित होता है? तो देखिए एक वचन से बहुवचन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आँख आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 35 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ से देखते हैं, अब चलिए फिर से क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। निम्नांकित में से स्त्रीलिंग सूचक शब्द है? तो देखिए खटमल जो है आपके स्त्रीलिंग सूचक शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है? तो देखिए सब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से अघोष स्पर्श अल्पप्राण व्यंजन नहीं है? तो देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40,
निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय संबंधित अशुद्धि है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, अध्यात्म हो जाएगा ये, अध्यात्मक नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1904 में छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह माना जाने वाला कविता कुसुम के रचनाकार का नाम है। तो देखिए, कविता कुसुम के जो रचनाकार है वो है लोचन प्रसाद पांडे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। तो इन्होंने, लोचन प्रसाद पांडे ने कविता कुसुम माला नाम की रचना की थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, हिंदी वाक्य के सामने से निकल गया को छत्तीसगढ़ी में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? आगू से निकल गई। ऑप्शन नंबर डी। निश्चयार्थक के भविष्य काल की क्रिया वाक्य मैं बाहर आऊंगा का छत्तीसगढ़ी रूप बतलाइए। तो देखिए, मैं हर बाहर आऊं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, दंतेवाड़ा में प्राप्त संवत 1760 का छत्तीसगढ़ी भाषा मिश्रित गद्य शिलालेख किस राजा से संबंधित है? तो दिक्पाल देव से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी के शब्द यहाँ को मध्य क्षेत्रीय मानक छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, यहाँ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आंसर हो जाएगा। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन जो स्कैन करना रह गया था क्वेश्चन पेपर में, जो हम बता रहे थे इसमें, इसके स्कैन करना रह गया था, उन क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से बता रहे हैं आपको। जैसे कि देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय संबंधित अशुद्धि है? तो अध्यात्म आएगा यहाँ पे। फिर आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका आंसर था, जैसे लोक साहित्य के विकास का काल विभाजन के अंतर्गत आदिकाल अथवा गाथा युग माना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, विक्रम संवत 1000 से 1500। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, छत्तीसगढ़ी भाषा का स्थानीय बोलियों के मिश्रण से बने प्रकार के आधार पर पश्चिमी छत्तीसगढ़ी का एक रूप है, तो खलठा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 था, गियरसेन छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो अर्धमागधी से मानते हैं। फिर देखिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, जो कि आपके सही जोड़ी मिलाने का था, निम्नलिखित उपन्यासों एवं उसके लेखकों को सम्मिलित कीजिए, जिसमें देखिए कुल की मरजात जो है वो केयूरभूषण के है, हीरू की कहानी जो है वो बंसीधर शर्मा के है, इस पर अगर आपको मैच करना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी छूट गया है, तो आप इसे मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, 3421 करके। इसको आपको क्वेश्चन पेपर से देखना होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, बयासी के नगर नामक कविता के रचनाकार है, तो कुंज बिहारी चौबे इसके आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, 46 नंबर का क्वेश्चन, 1904 में छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह माना जाने वाला कविता कुसुम के रचनाकार का नाम, तो यहाँ पर लोचन प्रसाद पांडे आएगा, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लोचन प्रसाद पांडे आपका सही आंसर आएगा। तो बीच में एक पे छूट गया था बताना आपको। तो यहाँ पर जो है आपके छत्तीसगढ़ के और जो हिंदी की है वो सभी सामान्य ज्ञान क्वेश्चन खत्म होते हैं। 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा ऐसे में। आगे और भी पार्ट है, उसको हम लोग सॉल्व करके, जैसे कि मैथ्स का क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करके जल्द ही आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।